वेलकम टू माय चैनल। सो आज हम करने वाले हैं सितंबर टू दिसंबर 2023 के फाइनल वर्जन का सेकंड क्यू कार्ड। सो व स्टेटमेंट इज़ डिस्क्राइब अ सक्सेसफुल पर्सन हु यू वांस स्टडीड और वर्कड विद, कि कोई भी सक्सेसफुल पर्सन जिसके साथ आपने कभी भी स्टडी की हो या फिर वर्क किया हो। सो लेट्स सी, यू शुड से हु दिस पर्सन इज़, कि ये कौन सा पर्सन है सक्सेसफुल है। वेन यू स्टडीड और वर्कड विद दिस पर्सन, आपने इस पर्सन के साथ कब स्टडी किया था और कब वर्क किया था। हु यू डिड टूगेदर, और किसके साथ किया था। वट दिस पर्सन डिड टू बिकम सक्सेसफुल, और इस पर्सन ने सक्सेसफुल होने के लिए क्या क्या किया। एंड एक्सप्लेन हाउ यू फेल्ट अबाउट स्टडिंग और वर्किंग विद दिस पर्सन, और आपको इस पर्सन के साथ स्टडी करके या वर्क करके कैसा फील हुआ। लेट्स सी, वेल डूइंग एक्टिविटीज़ व सक्सेसफुल पर्सन ऑलवेज टीचेस समथिंग यूनिक एंड बेनिफिशियल, कि सक्सेसफुल लोगों के साथ काम करना, एक्टिविटीज़ करना हमेशा कुछ ना कुछ यूनिक सिखाता है, बेनिफिशियल ही सिखाता है। Although I have worked or studied with a number of people who have been successful throughout my life, कि मैंने बहुत मेरी लाइफ में अभी तक बहुत सारे ऐसे लोगों के साथ काम किया है, स्टडी की है, जो बहुत सक्सेसफुल हुए हैं, as such as my relatives, friends and some teachers. But here I would like to talk about the successful person with whom I once worked, कि मैं यहाँ एक specific person की बात करना चाहूँगा कि जिसके साथ मैंने एक बार काम किया था। दिस पर्सन इज़ नन अदर देन माई क्लासमेट, कि ये पर्सन और कोई नहीं, मेरा क्लासमेट ही था जॉन, हु इज़ नॉट ओनली माई नेबर, कि जो सिर्फ मेरा एक नेबर नहीं है बट ऑल्सो माई बोजम फ्रेंड, और साथ में ही मेरा बोजम फ्रेंड भी है। बोजम फ्रेंड एक idiom है जिसका मतलब होता है बेस्ट फ्रेंड। एक्चुअली इट हैपन 2 years ago, कि ये 2 साल पहले की बात है। वैन आई यूज़ टू स्टडी एट माई सीनियर सेकेंडरी स्कूल, कि जब मैं सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन में स्टडी करता था। एट दैट टाइम माई टीचर असाइंड अस एन आर्ट प्रोजेक्ट ऑन वेस्ट मटीरियल इन ग्रुप, कि उस टाइम मेरे टीचर ने मेरे को, हमें मतलब मेरे फ्रेंड को और मेरे को, एक प्रोजेक्ट दिया था आर्ट प्रोजेक्ट वेस्ट मटीरियल पे बनाने के लिए ग्रुप में। फर्स्टली वी सर्च द आइडियाज़ ऑन यूट्यूब, सबसे पहले तो हमने यूट्यूब पर आइडियाज सर्च की। आफ्टर वॉचिंग 10 to 15 वीडियोज़, और 10 to 15 वीडियोस वॉच करने के बाद वी फाइनलाइज द आइडिया ऑफ मेकिंग अ पेन होल्डर, तो उसके बाद हमने आइडिया डिसाइड कर लिया कि हमें पेन होल्डर बनाना है यूजिंग द वेस्ट मटेरियल को यूज़ करके। फॉलोइंग दैट, और उसके बाद वी कलेक्टेड द रॉ मटेरियल, सबसे पहले हमने रॉ मटेरियल को कलेक्ट किया नीडेड टू मेक द प्रोजेक्ट, जो भी प्रोजेक्ट बनाने के लिए ज़रूरी था, लाइक ग्लू, सीजर्स, स्केचेस, ऑयल पेंट्स एंड सम मटीरियल्स। यहाँ पे लिखना सम वेस्ट मटीरियल, और कुछ वेस्ट मटीरियल भी लाइक बैंगल्स, कार्स, न्यूज़पेपर्स एंड मेनी मोर। आफ्टर दैट वी फॉलोड ऑल द इंस्ट्रक्शन स्टेप बाय स्टेप, और उसके बाद हमने सारी इंस्ट्रक्शंस को स्टेप बाय स्टेप फॉलो किया। असेंबल्ड ऑल द थिंग्स इन अ प्रॉपर वे, सभी चीज़ों को एक प्रॉपर तरीके से लगाया। एंड मेड द पेन होल्डर इन 2 hours, और पेन होल्डर को 2 घंटे में बना दिया। एट लास्ट, उसके बाद वी कलर्ड द पेन होल्डर, हमने पेन होल्डर को कलर भी किया विद ऑयल पेंट एज वेल एज सम स्टिकर्स, कुछ ऑयल पेंट से और कुछ स्टिकर्स लगा के। वेन इट कम्स टू द क्वेश्चन ऑफ वॉट ही डिड टू बिकम सक्सेसफुल, और जब इस क्वेश्चन की बात है कि जिस पर्सन के साथ मैंने काम किया था उसने सक्सेसफुल होने के लिए क्या किया, आई वुड से कि मैं कहूँगी ही लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न्ड टू मेक हिज करियर सक्सेसफुल, कि उसने कोई कमी नहीं छोड़ी अपने करियर को सक्सेसफुल बनाने के लिए। लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न्ड, ये भी एक idiom है जिसका मतलब होता है कि उसने बहुत मेहनत की, कोई कमी नहीं छोड़ी। ही स्टार्टेड हिज जर्नी बाय प्रिपेयरिंग फॉर गवर्नमेंट एग्ज़ाम, उसने अपनी जर्नी शुरू की गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन से। एंड क्लियर द बैंक एग्ज़ाम इन फर्स्ट अटैम्प्ट, और उसने अपना जो बैंक एग्ज़ाम था वो फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर भी कर लिया। एंड नाउ ही इज़ वर्किंग एज अ बैंक मैनेजर, और अब वो काम कर रहा है एज अ बैंक मैनेजर। आई रियली फेल्ट ओवर द मून, मेरे को बहुत ज़्यादा खुशी हुई आफ्टर वर्किंग विद हिम, उसके साथ काम करके। एज ड्यू टू अवर कम्बाइंड एफर्ट्स, की और हमारे कम्बाइंड एफर्ट्स करने से वी गोट फुल मार्क्स इन द असाइनमेंट,
हमें इस असाइनमेंट में फुल मार्क्स मिले. ऑल इन ऑल दिस इज़ अ सक्सेसफुल पर्सन. कि सो ये वाला सक्सेसफुल पर्सन था जिसके साथ मैंने काम भी किया और मेरे को बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड भी फील हुआ. सो दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब.